अहम खबर आपको दें, साबिक DGLDA आहत चीमा गिरफ्तार हो गए हैं। अहम खबर आपको देने चले, साबिक DGLDA आहत चीमा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। साबिक DGLDA आहत चीमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम खबर आपको देते चले, आहत चीमा साबिक DGLDA जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक साबिक DGLDA आहत चीमा जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम खबर आपको देते चले, साबिक DGLDA आहत चीमा गिरफ्तार हो चुके हैं। साबिक DGLDA आहत चीमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम खबर आपको दें, साबिक DGLDA आहत चीमा जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आहत चीमा साबिक DGLDA गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको खबर देते चलें, साबिक DGLDA आहत चीमा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अहम खबर, साबिक DGLDA आहत चीमा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। साबिक DGLDA आहत चीमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर देते चलें, साबिक DGLDA आहत चीमा से मुतल्लिक जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। नैब के साबिक DGLDA को लाहौर से गिरफ्तार किया गया है। साबिक DGLDA आहत चीमा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लाहौर से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। आपको ये बता दें चलें, नैब ने साबिक DGLDA को लाहौर से गिरफ्तार किया है। नैब ने कार्रवाई की है, साबिक DGLDA आहत चीमा को गिरफ्तार किया है। आहत चीमा को लाहौर से गिरफ्तार किया गया है। साबिक DGLDA आहत चीमा गिरफ्तार हो चुके हैं। नैब ने कार्रवाई की, साबिक DGLDA को लाहौर से गिरफ्तार किया है। साबिक DGLDA गिरफ्तार हो चुके हैं। नैब की कार्रवाई हुई, लाहौर में कार्रवाई की गई। नैब ने साबिक DGLDA को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। साबिक DGLDA आहत चीमा गिरफ्तार हो चुके हैं। आपको बताते चले, नैब की कार्रवाई पर लाहौर में यह कार्रवाई की गई जिस पर साबिक DGLDA आहत चीमा गिरफ्तार हो चुके हैं। अहम खबर, साबिक DGLDA आहत चीमा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। नैब ने कार्रवाई की है, साबिक DGLDA को लाहौर से गिरफ्तार किया गया है। अहम खबर, नैब ने कार्रवाई की, साबिक DGLDA आहत चीमा को गिरफ्तार किया गया। साबिक DGLDA आहत चीमा को लाहौर से गिरफ्तार किया गया है। साबिक DGLDA आहत चीमा गिरफ्तार हो गए हैं। नैब ने गिरफ्तार किया, नैब ने कार्रवाई की, साबिक DGLDA को लाहौर से गिरफ्तार किया है। साबिक DGLDA आहत चीमा गिरफ्तार हो चुके हैं। नैब की कार्रवाई हुई, कार्रवाई करते हुए साबिक DGLDA आहत चीमा को गिरफ्तार किया गया। यह भी आपको बताएं, नैब ने साबिक DGLDA को लाहौर से गिरफ्तार किया है। अहम खबर, साबिक DGLDA आहत चीमा से मुतल्लिक जिन्हें गिरफ्तार कर लिया है। नैब ने कार्रवाई की है, नैब ने साबिक DGLDA को लाहौर से गिरफ्तार किया है। साबिक DGLDA गिरफ्तार हो चुके हैं। साबिक DGLDA आहत चीमा गिरफ्तार हो चुके हैं। नैब ने साबिक DGLDA को लाहौर से गिरफ्तार किया है। अहम खबर आपको दें, साबिक DGLDA आहत चीमा गिरफ्तार हो चुके हैं। लाहौर से साबिक DGLDA आहत चीमा गिरफ्तार हुए हैं। नैब ने यह कार्रवाई की है, साबिक DGLDA आहत चीमा को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर से उन्होंने गिरफ्तार किया। नैब की कार्रवाई पर साबिक DGLDA आहत चीमा गिरफ्तार हो चुके हैं। नैब ने साबिक DGLDA को लाहौर से गिरफ्तार किया है। आपको खबर देते चले, नैब ने साबिक DGLDA आहत चीमा को गिरफ्तार किया है। लाहौर में कार्रवाई करते हुए आहत चीमा को गिरफ्तार किया गया है। साबिक DGLDA आहत चीमा गिरफ्तार हो चुके हैं। नैब ने कार्रवाई की, लाहौर में कार्रवाई करते हुए साबिक DGLDA को गिरफ्तार किया गया है। आहत चीमा गिरफ्तार हो चुके हैं। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर हमारे साथ हैं, मजीद तफसील आप उनसे जानते हैं। बताएगा कैसर, आहत चीमा को गिरफ्तार कर लिया गया, कब कार्रवाई की गई? जी, नैब ने आहत चीमा जो साबक DGLDA, साबक DGO लाहौर, साबक सेक्रेटरी हायर एजुकेशन और साबक एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर सिविल सेक्रेटर थे, उनको नैब की टीम ने करप्शन, माली बदनवानियां और नजायज असासे बनाने और इस बतौर DGLDA जब वो थे तो वहां पर घपले और करप्शन करने के इल्जाम में LDA के दौरान नैब ने साबक DGLDA आहत चीमा को उनके दफ्तर वाके MM आलम रोड से आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ठीक है, कैसर खोखर ये भी बताएगा किन किन दफात पर मुकदमात इन पर थे जिन पर गिरफ्तार किया गया? जी, आहत चीमा का जो है वो उन पर नैब जब DGLDA थे तो उनके ऊपर आशियाना हाउसिंग स्कीम के हवाले से, इसके साथ साथ दीगर जो LDA के दौर में जब DGLDA था तो उनके दौर में माली बदनवनियां करने पर उन पर इल्जाम साबित हुआ है और ये इल्जाम इंक्वायरी में साबित हुआ है, जिसके बाद आहत चीमा को नैब की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। मैं ये बताता चलूँ कि आहत चीमा डिजिटल और भी रहे हैं, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन रहे हैं, इसके साथ साथ वो डिजिटल सेक्रेटरी वेलफेयर रहे हैं, इसके साथ साथ वो DGLDA रहे हैं और आजकल वो एक थर्मल कॉपी
कंपनी के सीईओ के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन एलडीए के तौर पर जब उनका एलडीए में डीजी थे तो उस वक्त उन पर माली बदनवानियों के इल्जाम हैं जिसके तहत नैब ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जी ठीक है, कहाँ से गिरफ्तार किया गया, कैसे खोकर राहत चीमा को? जी आहद खान चीमा को एमएम आलम रोड लाहौर में उनका जो दफ्तर था थर्मल कंपनी का, आईडीएफ का नीचे दफ्तर है, ऊपर वाले फ्लोर पर थर्मल कंपनी का दफ्तर है, वहां पर उनको एमएम आलम रोड से आहद खान चीमा को गिरफ्तार किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोकर, आपसे अपडेट लेते रहेंगे इससे मुतल्लिक। आपको बताते चले नैब ने साबिक डीजी एलडीए को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। साबिक डीजी एलडीए आहद चीमा गिरफ्तार हो चुके हैं, लाहौर से उन्हें गिरफ्तार किया गया।